नमस्कार दोस्तों, यस बैंक का एनपीओ को दिखाकर 6/11 टारगेट देने वाले ब्रोकर का मुंह बंद हो गया। वो मासूम इन्वेस्टर को गुमराह करने वालों के आंख के सामने से यस बैंक 2 दिन करीब 5% के तेजी दिखाई, जो कि बहुत ही बड़ा खुशखबरी है आपके लिए। गाइस इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनपीए क्या होता है, बैड लोन किस तरह से यहाँ पर होगा और बैड बैंक किस तरह से बनेगा। तो गाइस सारे बात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ समझ लेते हैं कि एनपीए क्या होती है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है, जैसे कि यस बैंक DHFL को काफ़ी सारा लोन दिया था, तो वो एक एनपीए हो गया। मतलब उससे क्या होता है कि जो आपने लोन दिए हैं वो लोन को फिर से वापस बैंक को नहीं मिला, जिसमें से कि बैंक का बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो यही एनपीए का कारण यस बैंक में इतने अच्छे शानदार और कितना खूबसूरत रिजल्ट आने के बावजूद भी यस बैंक आगे की ओर मूव नहीं कर पा रही थी। यही इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब बैड बैंक का जिक्र किया, तब से यस बैंक सहित सारे बैंक में तेजी देखने को मिला और यस बैंक फिर से अपने पटरी में लौटती दिख रही है। ऑलराइट गाइस, आप गूगल में यस बैंक का 5 डेज का चार्ट देख सकते हैं, जब यस बैंक 50 रुपीज़ के आसपास लो लगाया था, वो भी पैनिक क्रिएट किया गया था कुछ ऐसा ब्रोकर जो दलाली किया था कि 6 और 12 रुपीज़ के आसपास यस बैंक फिर से जा सकता है और झूठा टारगेट दिया था, और लगातार इसमें 2 दिन करीब 5% और 5% के यहाँ पर तेजी दिखी और आप देख सकते हैं यस बैंक फिर से अपने उसी जगह पर आए हैं जिस जगह में आप लोग काफ़ी सारे लोग जो बाय किए हैं 17 और 18 रुपीज़ में। गाइस अब गूगल में यस बैंक का अर्निंग देख सकते हैं लगातार 3 क्वार्टर का, जिसमें कि लगातार ये प्रॉफिट पर प्रॉफिट शो करा है, पर एनपीए के कारण यस बैंक अप साइड की ओर मूव नहीं कर पा रहा था। पर गाइस अब यस बैंक को 30 रुपीज़ तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो बैड बैंक है वो सारे बैड लोन को इसका खरीदेंगे और फिर यस बैंक उससे क्या है कि फ्री हो जाएंगे और फिर यस बैंक को मूव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है इतना ऊपर। और Q3 में तो ऐसे ही यस बैंक काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया है, करीब 166.67% के यहाँ पर अप मूवमेंट दिखाई है यस बैंक Q3 में। आप यहाँ पर यस बैंक का 1 मंथ तक का यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं, जब यस बैंक 15 रुपीज़ का लो लगाया था उस समय कितना ज़्यादा एक्टिव था, वॉल्यूम देख सकते हैं कितना ज्यादा वॉल्यूम है, और अभी इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम है क्योंकि अभी कोई भी सेल नहीं करना चाहता है, सबको यस बैंक अप साइड की ओर मूव कराना चाहता है। पर जो ब्रोकर ने यहां पर 6 और 12 रुपीज़ के आसपास में टारगेट दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल और मासूम इन्वेस्टर है उससे शेयर को छीनने के लिए था, क्योंकि यस बैंक में ऑलरेडी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ इसका एनपीए के कारण ही यस बैंक ऊपर की ओर नहीं मूव कर पा रहा था। और गाइज आज का भी मार्केट में आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना कम है और कितना ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ बायर ही एक्टिव है, सेलर काफ़ी कम है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लग रहा है कि यस बैंक अब और 16 और 15 के नीचे नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितनों भी चाहे टारगेट दे दे, वो सब टारगेट दे रहा है, वो उसका टारगेट उसी तरह पड़ा हुआ है। गाइज बैड बैंक का सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ 20,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी और जितने भी सारे हैं जिसका एनपीए बढ़ा हुआ है, जिसके कारण उसका बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, जिससे कि उसका मूवमेंट नहीं हो रही है बाजार पर, शेयर बाजार पर, उससे क्या है कि उसका मूवमेंट भी होने लगेगा और उसका जो भी बैंक है उसका स्ट्रेस कम होगा। बैड बैंक से यस बैंक को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यस बैंक का ऑलरेडी इसमें एनपीए काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसका बैड लोन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसका बैलेंस शीट ऑलरेडी ख़राब पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करेगी, बैड बैंक का ही काम होगा कि बैड बैंक उसका बैड लोन को एक कोई फिक्स प्राइस पर या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लेगी, और तब तक उस बैंक का जो भी उसका बैड लोन काफ़ी अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या है उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा और उससे क्या है कि बैंक और भी अच्छे काम कर पाएंगे और बैंक का शेयर वैल्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगी, चाहे वो बैंक कितनों भी बैंकक्रप्ट क्यों ना हो जाए, और उस पर वो भी एक डिस्काउंट रेट पर ही खरीदेगी बैड बैंक। और गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैड बैंक जो है, जो भी बन रहा है, वो अभी प्राइवेट के हाथ में ही जाएगा। गाइस निर्मला सीतारमण का कहना है बैड बैंक से काफ़ी सारे बैंक को बूस्टअप मिलेगा और जिसका एनपीए काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑलरेडी और ड्रामेटिकली फॉल हो रहा है, जैसे कि यस बैंक, तो उसको एक सहारा मिलेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए। और गाइस आपको पता है कि ऑलरेडी COVID-19 की वजह से जितना भी बैंक है सारे उसका बैलेंस शीट तो ऑलरेडी ख़राब पड़ा हुआ है अभी पेंडेमिक के कारण, तो वो भी एक कारण है। अगर बैड बैंक बनाए तो सारे के सारे बैंक को एक सहारा मिलेगा। पर गाइस किसी बैंक को सहारा मिले या ना मिले, पर यस बैंक को काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगा, क्योंकि यस बैंक का रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा है और बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हुए आ रही है पिछले 3 क्वार्टर में, और इस बार अगर बैड बैंक बना तो इसका एनपीए जो है वो क्या है कि स्ट्रेस कम हो जाएगा जो भी लोन इसमें बचा हुआ है, और उससे यस बैंक और भी आगे की ओर चलने के लिए सक्षम होंगे और हो सकता है काफ़ी जल्दी
₹30 का टारगेट भी अचीव कर ले। तो आप सोच सकते हो अगर आप ₹15 में लेते हो, ₹30 चल जाता है, तो आपका पैसा यहीं पर डबल हो जाता है। पर गाइस आपको यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। और आपको हम और एक बार बता देते हैं कि चाहे कोई भी कुछ भी टारगेट क्यों ना दे दें, चाहे ₹6 ₹12, आप अपना शेयर को बेचिएगा मत। ऑलराइट गाइस, आप ट्रेंडिंग व्यू के वेबसाइट में देख सकते हैं येस बैंक का शेयर चार्ट, जिसमें वन डे का चार्ट है, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ समझ में भी आएगा येस बैंक के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर वॉल्यूम में देखें, येस बैंक एक बार जब 15 और 14 रुपये के बीच में गया था, उस समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाय चला था, जिसके कारण एक सडन अप मूवमेंट दिया था, और करीब एक वीक के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। पर गाइस यहाँ पर दूसरा बात यह है कि येस बैंक उस जगह जाने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे वापस आया, और इस जगह पर कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम में लगातार खरीद बिक्री चलते गया, और वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंतर भी आया। पर गाइस अचानक से कुछ ब्रोकर ने जब यह टारगेट दिया कि येस बैंक फिर से नीचे आने का चांसेस है करीब ₹11 और ₹6, और लगातार दो ब्रोकर ने टारगेट दिया, और फिर से एक ब्रोकर आज ₹14 के आसपास टारगेट दिया, जो कि कभी जाएगा ही नहीं। अब गाइज आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह कितना मासूम इन्वेस्टर जो है अपना शेयर को बेच के निकल गया है, और कितना ज़्यादा लॉस यहाँ पर बुक किया है, आप सोच सकते हैं। और इस जगह पर बड़े बड़े फंड ने फिर से एंट्री मारा है, क्योंकि आप लगातार दो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पर चार्ट का जो लेवल है, इस चार्ट का लेवल काफ़ी ऊँचा दिख रहा है, और गैप अप ओपन हुआ आज का मार्केट में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें गैप अप ओपन आपको दिख रहा है, और ये काफ़ी जल्दी ₹18 के आसपास आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखना ये है कि आप अपना शेयर को कितना दिन के लिए यहाँ पर बाय करके रखे हैं, 3 ईयर 2 ईयर 5 ईयर, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमको पता है अगर आप यहाँ पर 50,000 1 लाख शेयर लेकर रखे हैं येस बैंक का, तो अगर ये 1 रुपया भी नीचे जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपका डिमेट में माइनस दिखेगा, शायद आपका सोच भी बदल सकता है, वो कहते हैं पैनिक क्रिएट करता है। पर यहाँ पर पैनिक क्रिएट नहीं होना है। अगर हम आपको चार्ट एनालाइज करके दिखाएं, आप यहाँ पर देख सकते हैं येस बैंक किस तरह से एक अपने जो टारगेट है वो लिया है इस जगह से, यहाँ से किस तरह एक सडन मूवमेंट लिया है। इस मूवमेंट को आपको देखना जरूरी है, जो लगातार एक सपोर्ट बनाया था इस जगह, और सपोर्ट के बाद ये अचानक एक लो लगाया है, और काफ़ी ज़्यादा इस जगह सपोर्ट था, और जैसे ही हम आपको बोले थे कि 17 का सपोर्ट टूटा, तो 100% ये और भी नीचे का जाने का चांसेस है। तो ये सपोर्ट जिस तरह टूटा, लगातार यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला, और उस समय काफ़ी सारे ब्रोकर अपने शेयर को खरीदे हैं, और काफ़ी सारे जो मासूम इन्वेस्टर है अपने शेयर को बेचे हैं, और फिर हम आपको बताएं कि ₹15 और फिर ₹18 जाएगा, और सही में फिर से यह मूव करने लगा है। और गाइस हम आपको जो कुछ भी बताते हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बताते हैं, अपना मन से कुछ भी नहीं बताते। गाइस पिछले 2 दिन के लगातार ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए येस बैंक में ऐसा लग रहा है कि अब फिर इसमें तेज़ी का माहौल जम गया है, और भी आगे की ओर इसका मूवमेंट बन सकती है। और गाइस जैसे कि बैड लोन और बैड बैंक, इसके बारे में अगर आपको समझ में आया तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इसके बारे में और ऑलरेडी अलग वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमको बताइए, आपका हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।